हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स गुरु। मेरा नाम है आकाश चौधरी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर क्लास 11th का कंप्लीट आईपी कोर्स और साथ ही में हम पाइथन का भी कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पाइथन में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। हम अपना लास्ट में डिक्शनरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा चैप्टर नंबर 8 डिक्शनरीज का, क्लास 11th की बुक के हिसाब से। तो इस पार्ट में हम डिक्शनरी जो हमारा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, इसको कवर कर लेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा और कुछ प्रोग्राम्स उसमें एडिशनल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, लास्ट टाइम तक हमने अपनी नेस्टिंग डिक्शनरीज तक समझ लिया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नेस्टिंग डिक्शनरीज का मतलब क्या होता है। तो गाइज, आपने नेस्टेड लूप्स भी पढ़ा है, नेस्टेड आपने इफ एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ा है। तो इसमें होता क्या है, नेस्टेड का मतलब होता है नेस्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ उसके अंदर दोबारा यूज करी जा रही है। लाइक नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है लूप के अंदर लूप, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब कि इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट। वैसे ही डिक्शनरीज के अंदर, डिक्शनरीज को अगर हम यूज करते हैं तो उसे हम नेस्टिंग डिक्शनरीज कहते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि डिक्शनरीज को आप एक की नहीं रख सकते। मान लो आपने एक डिक्शनरी बनाई, फिर उसके अंदर आपने अंदर एक और डिक्शनरी बनाई, तो उस डिक्शनरी को आप एक की नहीं रखोगे, उसे आप एक वैल्यू रख सकते हो। बिकॉज आपको पता है डिक्शनरी कैसी टाइप है, डिक्शनरी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू थी वो चेंज हो सकती है। और आपको पता है की के लिए कंडीशन है कि की हमेशा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप की ही होनी चाहिए, तो इसलिए हम डिक्शनरी को की नहीं रख सकते हैं, तो आपको एरर मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना आइडियली ओपन कर लिया है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर फटाफट से एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो मैं करूँगा कि मैं देखो सिंपली ए नाम की एक डिक्शनरी बना देता हूँ, जिसके अंदर जो पहला ए नाम की है, जिसकी वैल्यू डाल देते हैं हमने वी, फिर कॉमा, फिर देखो हम दूसरी हम एक और, मतलब कि मान लो हम एक और डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिखा, दोबारा से लिखा मैंने सी और उसकी हमने वैल्यू रखी के, ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी हो गई। अब इसकी ओवरऑल वैल्यू मैं रखता हूँ ब्यूड, और मैं करता हूँ मैं प्रेस एंटर। देखो मुझे यहाँ पर एक एरर मिला है। अब इसका मतलब क्या है, अनहैशेबल टाइप डिक्ट। अब देखो हमें यहाँ पर एक एरर मिला है, बिकॉज यहाँ पर हमने जो यहाँ पर है ना, ये हमने की रखी है। अब चलो हम इसको एक बार दोबारा ट्राई करते हैं अलग तरीके से बनाकर, और उसमें देखते हैं हमें एरर मिलता है या नहीं मिलता है। तो रुको मैं आपको एक बार बना देता हूँ इसे फटाफट से। तो मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे लिखता हूँ, इस बार मैं की दे रहा हूँ ड्यूड, और मैं इस डिक्शनरी को दे रहा हूँ एक वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सी, उसकी वैल्यू हम रख देते हैं के। तो सेम टू सेम प्रोग्राम है। तो वैसे अब यहाँ पर मुझे क्या एरर मिला है, अरे हाँ, यहाँ पर तो मैंने ये कॉमा लगा देते, तो बाय मिस्टेकली हो गया मुझसे। चलो इसको मैं फिर से कर लेता हूँ, हाँ तो फटाफट से कर देता हूँ। तो देखो ये पहली हमारी की, ये उसकी वैल्यू, कॉमा ये हमारी की, और ये अब इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने गलती से ऊपर कॉमा लगा दिया था बाय मिस्टेकली। तो फिर यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर ये कर दिया के, अब मैंने एंटर दबाया, तो मुझे अब एरर कोई भी नहीं मिला है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो डिक्शनरी एक तो ये हमारी डिक्शनरी है ही, ये कंप्लीट एक डिक्शनरी है, बट इसके अंदर ये एक छोटी डिक्शनरी भी है। बिकॉज देखो आप यहाँ पर ड्यूड की के अंदर अगर हम सी को एक्सेस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें के मिलेगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पर ड्यूड, इस तरीके से स्ट्रिंग है, तो देखो हमें सी के मिल गया। अगर मैं यहाँ पर देखो एक और तरीके से करके देखता हूँ, इसे होता है नहीं होता है, बिकॉज अभी मैं ट्राई करता हूँ ड्यूड। अब इसके अंदर मैंने दोबारा ये लगाए, अब करता हूँ मैं सी, अब मैं एंटर दबाऊँ, देखो मुझे के मिल गया। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले इससे एक करने के बाद जब मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट से ड्यूड एक्सेस किया, मतलब मैंने पहले इस की को एक्सेस कर लिया, फिर इसके अंदर जो इसकी वैल्यू थी ना उसके अंदर मैंने इस की को एक्सेस कर लिया, तो मुझे ये वाली वैल्यू इसकी मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप इन पे वर्क कर सकते हैं। तो यही होती है नेस्टिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। बस आपको ध्यान रखना है वो यह है कि आप डिक्शनरी को एक की नहीं रख सकते, उसे आप एक वैल्यू ही रखें। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसको मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ, बिल्कुल आसान एग्जांपल है। तो देखो ये हमारी डिक्शनरी है, अब इसके अंदर जो इनकी, देखो ये जॉन तो एक की है, जो इनकी वैल्यू है ना ये दोबारा से डिक्शनरी है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर देखो ये की है, फिर ये दोबारा डिक्शनरी है। तो अब इन्होंने किया क्या है यहाँ पर, अब देखो इन्होंने लूप चलाई है फोर की इन एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एक की कोई भी नाम हो सकता है, एक वेरिएबल है, ऐसे ही कोई भी, कोई जरूरी नहीं है की का मतलब की ही है, नहीं, ये कोई भी वेरिएबल, आप इसे ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, एक आइडेंटिफायर है, आप इसे समझ लो ऐसे। तो देखो आपने इसके लिए एक कोई भी मतलब वेरिएबल चलाया, तो हुआ क्या उसमें, आपने प्रिंट किया पहले तो उस एम्प्लॉयज आपने प्रिंट किया, फिर उसके बाद में आपने उस की जो आपकी ये की थी ना, मतलब जो उसकी वैल्यू आ रही है वो प्रिंट की, उसके बाद में आपने कॉलन लगाया, और फिर उसके बाद में बस आपने कॉलन लगाया, फिर बाद में आपने नीचे या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया उसकी एज, और फिर उसके बाद में देखो आप वही काम हो रहा है जो मैंने आपको करके दिखाया था। स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए आपको,
एम्प्लॉय मतलब कि हम इस डिक्शनरी पे आ गए। अब इसके अंदर की के अंदर मतलब कि पहली बार जॉन को लेगा ये की, क्योंकि आपको पता है डिक्शनरी को हम जब भी हम कह सकते हैं उसको हम ट्रैवर्स करते हैं, जब हम उसमें लूप लगाते हैं तो कीज के हिसाब से चलती है, वो वैल्यूज पे नहीं आएगी लूप, पहले की के वाली जॉन रहेगी, नेक्स्ट टाइम में दिया रहेगी, तो बस यही दो आएंगे बिकॉज ये तो एक वैल्यू है पूरी, तो इस पे नहीं आएगी। तो देखो पहली बार में इसकी वैल्यू रहेगी क्या, जॉन। अब जॉन के अंदर एज, अब जॉन की एज कितनी है 25, तो देखो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में हम दोबारा आएंगे तो यहाँ पर की क्या रहेगी अपनी, तो देखो की तो ये रहेगी जॉन, बट इस बार एज है ना यहाँ पर, देखो पहली बार में एज यहाँ पर गाइज है ना। तो देखो यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं, आपने पहली बार तो एज प्रिंट कर दिया, फिर जैसे आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है, तो क्योंकि आप देखो एज यहाँ पर भी है और एज यहाँ पर भी है, सेम चीज है ये, सैलरी यहाँ पर भी है तो सैलरी यहाँ पर भी है, इसलिए इन्होंने इन वेरिएबल्स को इन्होंने यहाँ पर इसे एक फिक्स रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर एज आपको यहाँ पर मिल जाएगी सेम टू सेम, ऐसी सैलरी मिल जाएगी दोनों में, तो इसलिए इन्होंने किया क्या है, पहले आपको एम्प्लॉय का नाम प्रिंट कराया, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में उसकी एज प्रिंट करा दी, एज कैसे एक्सेस करिए एम्प्लॉय, फिर उसके अंदर की उसकी खुद जॉन और जॉन के अंदर उसकी एज। अब नेक्स्ट लाइन में फिर उसकी एम्प्लॉय कौन सी है, जॉन रहेगा पहली बार में, तो जॉन की कौन सी है, की तो मतलब जॉन है और सैलरी उसकी है तो 20,000, तो इस तरीके से मतलब कि ये वर्क करा है, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये वर्क किया है। ओके तो अपना नेक्स्ट है अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। अब गाइस देखो मान लो आप ना कोई भी एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हो, मतलब कि आपने एक डिक्शनरी बना दी फिर उसके बाद में आप तो उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, तो आप कैसे करें, देखो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं। तो मैंने एक एक करके एक डिक्शनरी बना दी, तो मैं देखो इसी डिक्शनरी पे आपको सारी चीजें दिखाऊंगा जो भी मैं इसमें करूंगा इस वीडियो में। तो देखो मैंने यहाँ पर एक के अंदर की रखी है ए और इसकी वैल्यू है वी, अब मैंने कॉमा लगाया, अब मैंने दूसरा की लगाई है बी, इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं सी, तो इस तरीके से मतलब मैं एक बेसिक सी डिक्शनरी बना लेता हूँ। अब ए हो गया, बी हो गया, अब डी रख देता हूँ, अब इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं ई, अब कॉमा, फिर अब मैं ए को लगा देता हूँ लाइक इस बार लगा देता हूँ मैं, चलो मैंने कहा यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ध्यान देना है मुझे बिकॉज मुझे यहाँ पर एक कॉमा लगाना था, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने रखी इसकी एफ, इसकी वैल्यू देता हूँ मैं जी, है ना। तो इस तरीके से मतलब हमारी डिक्शनरी है कंप्लीट है, बिल्कुल कोई एरर तो नहीं, देख लेता हूँ मैं। तो देखो ये हमारी एक डिक्शनरी हो चुकी है, टाइप देखेंगे हम इसका, तो टाइप हम चेक कर लेते हैं इसका, तो ये टाइप इसका डिक्ट आ रहा है, तो ठीक है ये हमारी डिक्शनरी है। तो मान लो आपको करना क्या है, आपको इस डी की जो वैल्यू ना ई, आपको ये ई नहीं चाहिए, आप यहाँ पे चाहते हो किसी का नाम आए, तो देखो मैं यहाँ पर आकाश चाहता हूँ ई की जगह पर, तो आप क्या करोगे, तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम डालना है, फिर आपको डालना है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डी, तो भाई मुझे ना ये डी की जगह पर कुछ और चाहिए, मतलब डी की जो वैल्यू उसकी जगह पर कुछ और चाहिए, तो यहाँ पर आपको वैल्यू डाल मतलब की डालनी है, तो यहाँ पर की कौन सी है, डी है, तो मैंने यहाँ पर डाला डी। तो अब इसका मतलब अगर आप इतना ही एंटर दबाते हो तो इसकी जो की जो वैल्यू ना वो आपको मिल जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पर सॉरी मैंने वो उसको हटा दिया गलती से, तो देखो ए के, अब मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने यहाँ पर डाला डी और मैंने इसको किया बंद और मैंने दबाया एंटर, तो देखो मुझे इसकी वैल्यू ई मिल गई है, बट मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसको चेंज करना है। तो देखो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली ऐसे ही करूँगा सेम टू सेम, मैंने यहाँ पर डी डाला, उसके बाद मैंने इक्वल टू लगा दिया, और अब मुझे इसकी जगह पर चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पर आकाश लिखा हुआ है, तो बस एंटर दबा दूंगा। अब मैं एक को चेक करता हूँ, तो देखो डी की जगह पर अब जो ई था पहले अब वहाँ पर आकाश आ चुका है, तो इस तरीके से मतलब कि ये वर्क करता है। बट यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो ये आकाश है किसकी फॉर्म में आई, एक लिस्ट की फॉर्म में आया, बिकॉज देखो ये भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो अगर आपको इसे भी नहीं हटाना, आपको ये नहीं चाहिए मतलब, तो देखो आपको करोगे कि आप सिंपली यहाँ पर ऐसे करोगे इक्वल टू में आप यहाँ पर सीधा सीधा आकाश डाल दो बस। अब देखो तो देखो अब यहाँ पर ये मुझे सीधे एक स्ट्रिंग में मिला है, पहले यहाँ पर ये लिस्ट टाइप में मिला था बिकॉज मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी थी, इसलिए मतलब कि आपको जब भी अपडेट करनी है लिस्ट तो उसके आगे जो आप जो भी चीज़ें लिखते हो ना तो उस जैसे आपको चाहिए अपनी डिक्शनरी सेम टू सेम वैसे ही डालनी होती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है मैंने, ठीक है। तो अपडेट आप करना सीख गए होंगे, यहाँ पर एग्जांपल है एम्प्लॉय सैलरी के अंदर 20,000 डाला, 10,000 थी पहले, तो देखो ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो देगी उसमें समझा दूंगा बिकॉज अभी इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं आपको अभी सिंपली पढ़ा देता हूँ एक बार उसको ओवरव्यू। तो देखो डिलीट कैसे करते हैं, अगर मान लो आपको कोई भी एलिमेंट अपनी डिक्शनरी से डिलीट करना है तो आप कैसे करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, पहला है हमारा डेल DEL, दूसरा है वो हमारा मेथड है वो है हमारा पॉप। तो आपको पता है पॉप फंक्शन पॉप मेथड जो हमने पहले भी पढ़ रखा है लिस्ट में पढ़ रखा था हमने, और यहाँ पर भी हम डिक्शनरी में पढ़ेंगे उसे, और डेल है ये भी हमने पढ़ रखा है वैसे। तो देखो ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। तो देखो टू डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट और अ डिक्शनरी एंट्री दैट इज की वैल्यू पेयर यू कैन यूज डेल कमांड, तो हम देखो डेल कमांड यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखो आपको डेल के अंदर आपको डिक्शनरी डालनी है और उसकी जो की डिलीट करना चाहते हैं आप वो डाल दें सीधा सीधा। तो देखो मान लो मैं यहाँ से कोई डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डी को ही मैं डिलीट करूँ, तो मैं करूँगा क्या, मैं DEL डालूंगा एक एक मतलब कि अपना डिक्शनरी का नाम, और मुझे कौन सी करनी है डी, तो बस एंटर दबा दूंगा। अब मैं चेक करता हूँ अपनी एक को, तो देखो अब जो पहले डी था ना ये डी की जो की वैल्यू पे पूरा डिलीट हो गया। गाइस मैं आपको एक बार और बता दूं, ये पूरा एक एलिमेंट है, मतलब कि एक की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट होता है डिक्शनरी में, बिकॉज बाकी जगह पे तो ऐसा होता है कि ए कॉमा फिर बी कॉमा, मतलब कॉमा से सेपरेट होता है एक एलिमेंट, आप इतना समझ लो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये
ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है डिडक्ट करने का। अगर मान लो आप किसी ऐसे की आप किसी ऐसी की को पास करते हो इसके आर्गुमेंट्स में जो उसमें है ही नहीं, तो देखो आपने यहाँ पर ये एग्जांपल के लिए देखो इन्होंने ये डिक्शनरी है बट इसमें न्यू नाम की कोई की नहीं है, तो आपको एरर मिल जाएगा। अब दूसरा मेथड है वो है पॉप मेथड। अब पॉप से क्या होता है, पॉप सेम टू सेम डिलीट करता है बट पॉप रिटर्न भी करता है। पॉप उस जो की है ना जिसको डिलीट करेगा उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब ये कैसे वर्क करता है, तो देखो मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इस डिक्शनरी का नाम डालना है, डॉट डालना है क्योंकि ये मेथड है, पॉप डालना है। अब आपको कौन सी डिलीट करनी है, मान लो मुझे करना है इस बार डिलीट। अब मेरे पास बची ये है ए बी और एफ, ये की बची मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ ए को डिलीट कर दूँ मैं इसमें से, तो मैं यहाँ पे सिंपली ए पास करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे मैंने गलती क्या करी है, एक बार मुझे दिख लेता हूँ। ओहो सॉरी, मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो आपको पता होगा जितने भी मेथड्स हैं ना उन सब में हमको क्या लगाना होता है, पैरेंथेसिस, जैसे राउंड ब्रैकेट लगाने हैं। तो सही है, इससे आपको थोड़ा समझ में और आ जाएगा। तो आपको राउंड ब्रैकेट लगाना है जब भी आप कोई भी मेथड यूज करें, कोई भी गाइस, किसी भी मेथड ऐसा नहीं है जिसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ये फाइनल है, मेरे को पता है कन्फर्म। तो देखो अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा क्या, मैं यहाँ पर सिंपली पास करता हूँ ए, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर इसने पास, इसने हमको रिटर्न किया है, क्या रिटर्न किया इसने, जो ए की वैल्यू थी उसको इसने हमें रिटर्न भी कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं ए के अंदर है क्या क्या। तो देखो ए के डिक्शनरी उसको हमने सिंपली ओपन किया, तो देखो एक ए था वो भी चला गया और जो हमने पहले डिलीट कर दिया था डी, तो देखो अब सिर्फ दो की बची है बी और एफ। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट को किसी भी डिक्शनरी में डिलीट कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ ऐसे। हाँ तो देखो अब ये भी आपको समझ में आ गया। अगर मान लो आप पॉप में भी किसी ऐसी की को पास करते हैं जो अपनी आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो आपको एरर मिलेगा। बट गाइस पॉप के अंदर एक और फायदा है, वो क्या है, मान लो आपने यार कोई ऐसी, मतलब कि आपने, देखो मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले आपने किया पॉप और अब यहाँ पे मैंने पास कर दिया ए के, है ना, और अब मैंने किया तो देखो मुझे एरर मिल गया बिकॉज इसमें ये की है ही नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि कोई अगर ऐसी चीज़ें पास कर दे तो उसे अच्छे से मैसेज आए कि यार ये वाली की नहीं है, आप कुछ और ट्राई करो। तो देखो मैं करूँगा क्या, मैं ए के डॉट पॉप करूँगा, सॉरी गलती से मैंने ओपी कर दिया, तो पॉप। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सिंपली ए के लिखूंगा कि ये मुझे चेक करना है, ये मुझे डिलीट करना है। अब मैंने कोमा लगा दिया, कोमा के बाद में आप जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो वो आप डाल दें। तो मुझे लिख देना है यहाँ पर, सॉरी दिस की इज नॉट फाउंड, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया और आपको सिंपली पैरेंथेसिस को बंद कर देना है और आपको एंटर दबा देना है। तो देखो अब इसने एरर की जगह पर हमें ये दिखा दिया है मैसेज, सॉरी दिस की इज नॉट फाउंड, क्योंकि भाई हमारे इसने एक को चेक किया उस डिक्शनरी में, एक में तो इसको मिला ही नहीं वो, तो फिर इसने क्या किया, इसने आपको ये मैसेज दिखा दिया। तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है कि आपको अगर एरर नहीं चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये पॉप के अंदर है, तो देखो आप ये ऐसे करके कोई भी डिफॉल्ट एरर मैसेज दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी है किसी भी की की। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने गाइस इन नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर तो पढ़े ही होंगे, इसका मतलब होता है इन, मतलब कि ये चीज़ इसके अंदर है या नहीं, नॉट इन की ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। अगर इनके अंदर मान लो आपने डाला, आपने इन के अंदर इन जब रिटर्न ट्रू करता है जब वो चीज़ होती है, इन जब फॉल्स रिटर्न करता है जब वो चीज़ नहीं होती है, नॉट इन जब ट्रू करता है जब वो चीज़ नहीं होती है, और नॉट इन सॉरी नॉट इन जब रिटर्न करता है ट्रू जब वो चीज़ होती है। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो नॉट इन करता है ट्रू, अगर वो चीज़ उसमें होती है तो वो चीज़ वो फॉल्स का रिटर्न करता है। अब आपको ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको अब अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। तो देखो हमारी जो डिक्शनरी है वो क्या है अभी, तो देखो ये हमारी डिक्शनरी चल रही है, इसमें बी की है और एक एफ है, तो मुझे चेक करना है कि यार ये बी इसमें है या नहीं है इस डिक्शनरी में। तो देखो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा जो आपको चेक करना है उसको डालें आप, मतलब कि आपको ये बी की चेक करनी है इन ए के, एंटर दबाया तो देखो ट्रू रिटर्न किया इसने क्योंकि बी इस ए की डिक्शनरी के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे डालता बी नॉट इन ए के, अगर मैं ऐसा डालता तो मुझे देखो फॉल्स रिटर्न मिलता। इसका मतलब क्या है, नॉट इन का मतलब है कि देखो बी इसके अंदर नहीं है बट इसके अंदर ये तो है, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है। अगर मैं यहाँ पे ही डालता ड्यू जो कि इसमें नहीं है, अब मैं डालता नॉट इन ए के, तो अब मुझे यहाँ पे ट्रू मिलता, देखो ट्रू मिला है क्योंकि यहाँ पर ये इसमें नहीं है, तो इसने सही बोला कि हाँ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का। तो ये इसके बारे में थोड़ी थ्योरी आप इसे पढ़ लेना, कोई इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो मैंने आपको समझाने की बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो देखो ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं, डिक्ट वन ये है, तो आपने देखो नेम चेक किया तो ट्रू रिटर्न किया, एक्स जेड चेक किया तो ये किया है। हाँ, आपको एक बात और बताने वाली है, वो ये है कि आप इसमें सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ की चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वैल्यू चेक करनी है तो उसका एक तरीका अलग है, उसका तरीका क्या है तो देखो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान लो भाई आपको ये चेक करनी है ये वैल्यू इसमें है या नहीं है, तो आप करोगे कि आप इसमें सीधा वैल्यू डालोगे अपनी, फिर आप डालोगे इन और आपको कौन सी डिक्शनरी है, ए के डिक्शनरी है, तो उसके बाद में आप करोगे आपको इसमें डॉट वैल्यूज लगा देना है। अब ये डॉट वैल्यूज का मतलब क्या है, ये भी एक मेथड की तरह वर्क करता है। अब जो ये सी है ना इसको इस डिक्शनरी की वैल्यूज में चेक किया जाएगा, तो देखो मैं एंटर जैसे कराऊंगा तो देखो टू आया है। अगर मैं नॉर्मली करता, अगर मैं इस ए ये डॉट वैल्यूज को नहीं लगाता और अब मैं चेक करता हूँ तो देखो मुझे फॉल्स आ रहा है क्योंकि सी नाम की इसके अंदर नहीं है, क्योंकि सी नाम की इसमें की है नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन और नॉट इन ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, ये मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं।
तो नेक्स्ट चीज है गाइज वो है हमारी प्रिटी प्रिंटिंग आर्ट डिक्शनरी। इसका मतलब क्या होता है प्रिटी प्रिंटिंग का? तो गाइज मान लो आपने एक डिक्शनरी बना दी अच्छी खासी, तो आप उसे सिंपली जब प्रिंट करोगे ना तो उसकी एक अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, मतलब कि आप उसे एक अच्छी तरीके से नहीं देख पाओगे। देखो अब यहाँ पर उन्होंने एक डिक्शनरी बना रखी विनर्स, अब इसके अंदर ये इसके एलिमेंट्स हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, तो इन्होंने जैसे ही प्रिंट किया ना विनर्स को, तो देखो इस तरीके से आएगी वो आपको, तो यार ये कोई अच्छा लुक नहीं लग रहा, मतलब ये कोई अच्छी दिख नहीं रही है। तो इसीलिए पाइथन आपको एक ऐसे मेथड प्रोवाइड करता है जिससे आप डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिंट कर सको, मतलब कि वो अच्छे से समझ में आने लायक हो। तो अब इसके लिए होता क्या है, अब इसकी जरूरत क्या है? अब देखो नॉर्मली भाई कोई इंसान इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये किया ये वैल्यू, ये किया ये वैल्यू है। बट गाइज हम इतने छोटी डेटा पे हम कभी भी वर्क नहीं करते हैं, जब हम वर्क करते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें डेटा इतनी बड़ी होती है कि आप उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ी होती है। तो उसमें से यार आप कहाँ देखने बैठोगे कि यार ये किया ये वैल्यू है, ये किया ये वैल्यू है। तो इसीलिए हम ना प्रिटी प्रिंटिंग यूज करते हैं। प्रिटी प्रिंटिंग मतलब उसकी अच्छे एक तरीके से उसे एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में प्रिंट कराना किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को। तो देखो आप उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी या फिर मॉडल की जरूरत होती है, उसका नाम होता है जेसन, JSON, इसे हम जेसन कहते हैं। तो आपको पहले से इंपोर्ट कराना होगा, आपको पता है इंपोर्ट स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखा जाता है हमारे प्रोग्राम में। अब क्यों ऊपर लिखा जाता है? बिकॉज आपको पता है हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो अगर ये बाद में प्रिंट हुआ उसका काम पहले आ गया तो आपको एरर मिल जाएगा। तो गाइस ये बिल्कुल आपकी बेसिक चीज है जो मैं आपको कभी कभी बता देता हूँ, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी हम अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो देखो हमारी जो डिक्शनरी है एक एक अब चेक कर लेते हैं उसमें एलिमेंट क्या क्या है। अब मान लो मैं इसमें दो चार एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ पहले, तो अब ऐड करने का मैंने आपको पहले बता रखा है वैसे तरीका। मान लो मुझे भाई आकाश नाम के एक एलिमेंट में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट डाल देता हूँ और जिसकी वैल्यू डालूंगा मैं, इसकी वैल्यू डालूंगा मैं आकाश मी, ठीक है। तो अब देखो एक के अंदर एक और किया जाएगी आकाश जिसकी वैल्यू रहेगी मी। अब मान लो इसमें एक और मैं वैल्यू डाल देता हूँ, अब इसमें एक और ऐड कर लेता हूँ मैं जिसका नाम होता है मान लो विकास, मान लेता हूँ विकास नाम का बंदा कोई भी हो, इसको डालता हूँ मैं ब्रो, ठीक है। तो अब मैं सिंपली एंटर दबा दूंगा, तो अब चेक कर लेता हूँ मैं अपनी डिक्शनरी में, तो देखो बी की है, सी इसकी वैल्यू, एफ की है, जी इसकी वैल्यू, आकाश की है, मी इसकी वैल्यू है, विकास की है, उसकी वैल्यू है ब्रो। तो ठीक है अब हम इसकी अच्छी तरीके से प्रिंट करते हैं। तो देखो अगर नॉर्मली आप डालते हो प्रिंट ए के, अब आप एंटर दबा दो तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो गाइज ये कोई अच्छा लुक नहीं है, इसे कोई पढ़ के समझ नहीं सकता अगर बहुत बड़ा डेटा है। तो आप करोगे क्या, आपको सिंपली करना क्या है, तो देखो मैं आपको इसके लिए एक बार स्क्रिप्ट रूम में जाना चाहूंगा। तो आपको पता होगा सबसे पहले हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो इंपोर्ट करूंगा मैं जेसन को, जेसन एक मॉड्यूल है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपने इंपोर्ट कर लिया जेसन को, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। बट इसलिए मैं आपको एक बार मैंने आपको सिंपली इंटरेक्टिव मोड में दिखाया था, वो मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि अगर आप कभी भी स्क्रिप्ट मोड में वर्क करते हो तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट ही लगाना है, क्योंकि इंपोर्ट स्टेटमेंट सबसे ऊपर ही आता है हर बार, ठीक है। तो ओके अब देखो मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, जेसन को, बिकॉज मुझे यहाँ पर भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हो गई इंपोर्ट, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, अब मुझे इसको एक अच्छे बेटर वे में प्रिंट करना है भाई, तो मैं अब करूँगा क्या, अब मैंने डाला जेसन डॉट डम्प। अब देखो ये आपको मेथड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये डम्प्स कुछ ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ती है, ये डम्प्स एक फंक्शन होता है वैसे, ठीक है ना। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट कराता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब मैंने यहाँ पे अब आपको यहाँ पे डिक्शनरी का नाम डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाला ए के, ठीक है। अब कॉमा लगा दिया मैंने, अब इंडेंट, अब आपको इंडेंट का मतलब आपको गैप कितने का चाहिए, मैंने डाला तीन का, तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर दबाया। तो देखो गाइज यहाँ पर ये इतनी बेकार तरीके से प्रिंट हुआ है, अब आप सोचेंगे यार ये ऐसा क्यों हुआ है प्रिंट, अब मैं आपको समझा देना चाहता हूँ ये क्यों हुआ है ऐसा प्रिंट, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लूंगा। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक स्लैश एन दैट इज बैक स्लैश, ये गाइज एक सिंटैक्स प्रिंट हुआ है, आप इसे ऐसा समझ लो कि एक स्ट्रक्चर प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर प्रिंट किया, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है। अगर मैं प्रिंट करता तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता, बिकॉज जब आप एक स्ट्रक्चर प्रिंट करते हैं तो जो आपके ये बैक स्लैश हैं जो कि आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं, इनको हम एक एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, बिकॉज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तो गाइज वो सी लैंग्वेज में कुछ और होता है, परसेंट डी और परसेंटेज सी होते हैं, छोड़ो ने। तो गाइज ये एस्केप सीक्वेंस है, बैकस्लैश एन, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन, आपको पता है इसका मतलब। तो गाइज अभी यहाँ पर एक ये आप समझ लो ये ना एक स्ट्रक्चर प्रिंट हुआ है इस लाइन के आंसर में, तो अब मुझे इसे एक अच्छे तरीके से प्रिंट करना है। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली प्रिंट डालूंगा, अब प्रिंट के अंदर मैं अब करूँगा जेसन डॉट डम्प्स, अब मैं सेम चीज़ वही चीज़ लिख रहा हूँ, कॉमा इंडेंट। अब मुझे इंडेंट मतलब इंडेंट का मतलब होता है जो आपका लाइन से इधर से जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, तो देखो आपको इतना गैप मिल रहा है तीन में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ, दो कर लेता हूँ और हम इसे बंद कर लेता हूँ। अब मैं देखो, अब देखो गाइस कितनी अच्छी क्वालिटी आई है, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे डिक्शनरी स्टार्ट है बिल्कुल नई तरीके से, बिल्कुल मस्त जगह लग रहा है ये। तो देखो बी उसकी वैल्यू सी, ये एफ की है उसकी वैल्यू है जी, ये आपकी की है ये उसकी वैल्यू है, ये आपकी की है ये उसकी वैल्यू है, और जो यहाँ पर ये गैप है इंडेंट, ये दो का इंडेंट है। तो होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में समझाया मैंने कि जेसन क्या होती है, एक मॉड्यूल होती है, डम्प से एक फंक्शन होता है, उसको इस तरीके से इसका ये सिंटैक्स होता है, जेसन डॉट डम्प्स डिक्शनरी का नाम और इंडेंट जो भी आप चाहते हैं उतना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं।
तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये वही चीज़ लिखाई हुई है, तो आप इससे पढ़ लेना, कोई ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ का वो है काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट यूजिंग डिक्शनरी। वैसे आप अपना फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, किसी भी लिस्ट के अंदर डिक्शनरी का हेल्प करके। अब इसका मतलब क्या है, इससे होता क्या है, मान लो आपने एक डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर आपके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनकी आप फ्रीक्वेंसी, मतलब आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है आपकी डिक्शनरी में। तो गाइज यहाँ पर ये पूरा समझा रखा है इसके अंदर। तो गाइज इसमें ना एक जो मेन चीज लगी वो मुझे ये लगा, स्प्लिट। स्प्लिट एक फंक्शन है। अब ये स्प्लिट फंक्शन करता क्या है, मान लो गाइज आपके पास में एक काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग है, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ सैम्पल स्ट्रिंग, और आपने वर्ड्स नाम के वेरिएबल में टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया, मतलब कि आपने जो ये आपका जो ये वेरिएबल है इसमें आपने स्प्लिट मेथड लगा दिया, तो हुआ क्या, इसके हर जो आपका इसका हर वर्ड है ना, एक अलग अलग स्ट्रिंग बन जाएगी और ये एक लिस्ट में स्टोर हो जाती है। तो देखो गाइस यहाँ पर ये वर्ड्स के अंदर ही अलग अलग स्ट्रिंग बन चुकी है और ये एक लिस्ट में स्टोर हो चुकी है। तो ये तरीके से गाइस हम किसी भी स्ट्रिंग को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको काट करके, मतलब उसको छोटी कर करके। तो स्प्लिट का मतलब नॉर्मली भी, स्प्लिट का मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करें तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। तो गाइस यहाँ पर वही काम हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रही है ये पूरी स्ट्रिंग छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर। तो गाइस यहाँ पर इसका एक प्रोग्राम है, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से, बिकॉज जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा और ये पार्ट भी मैं वहीं पर थोड़ा कवर करूंगा। तो अब यहाँ पे बात आती है डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस या मेथड्स की। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके फटाफट से, बिकॉज टाइम 21 मिनट हो चुकी है, तो मैं अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। तो देखो लेन फंक्शन, लेन एक ऐसा मेथड है जो आपकी एलिमेंट्स को काउंट करके आपको बता देता है। तो देखो गाइस अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर लेन और एक एक, और अब मैं करता हूँ एंटर, तो देखो मुझे 4 मिल चुका है। तो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, इसमें पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लियर। अब क्लियर क्या करता है, क्लियर एक कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है पहली बात तो ये है, और ना ही ये कुछ रिटर्न करता है। अब इसका मतलब क्या है गाइस, आपका जो क्लियर है ना, क्लियर आपकी डिक्शनरी को क्लियर कर देता है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ता। बट आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लियर डिक्शनरी को डिलीट नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या है गाइस, तो देखो मैंने ऊपर एक डिक्शनरी बनाई थी, किस नाम से देख लेता हूँ मैं, कहाँ पर गई यार, बहुत ऊपर है, हाँ ए नाम से। तो हम चेक कर लेते हैं पहले ए है या नहीं अब तक। तो देखो मैंने यहाँ पर किया ए और मैंने दबाया एंटर, तो देखो ए है। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पर ए डॉट क्लियर और मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपल, तो देखो अब एक हमें एक ब्लैंक डिक्शनरी मिलती है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बट लेकिन ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर डिक्शनरी डिलीट नहीं हुई है, ए अभी भी एक डिक्शनरी है। अगर आप टाइप देखेंगे ए की तो वो भी आपको डिक्शनरी ही मिलेगी। तो देखो आपको यहाँ पर डिक टाइप मिल रहा है, तो ठीक है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हो तो आपको करना क्या, आपको सिंपल है वही डीएल करना है, डेल कमांड यूज करनी है, डेल ए, बस। अब आपका ए नाम का कुछ है नहीं, तो देखो ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फटाफट से हो गया, ये बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लेना इसको, पढ़ लेना, बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है, आप समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा गेट मेथड। अब गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड आपकी हेल्प करता है किसी भी की वैल्यू को लेने में। वैसे इसका सिंपल तरीका तो वही है गाइस, अपन सिंपली करते क्या है, हमको करना क्या होता है, तो देखो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो आपकी डिक्शनरी है उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली उसकी की डाल देनी जो उसकी वैल्यू चाहते हैं। तो मैंने यहाँ डाला बी तो उसकी वैल्यू आ गई मुझे सी। ठीक है, बट गेट मेथड से होता क्या है, गेट मेथड में आपको सबसे पहले डिक्शनरी का नाम डालना है, फिर डॉट क्योंकि मेथड है गेट, फिर उसके अंदर आपकी जो पैरेंथेसिस है इसमें आपको डालना है पहले तो की, जो भी आप की चाहते हैं। और अगर आप मान लो कि वो की अगर आपकी इस डिक्शनरी में नहीं है तो आप एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, इसमें बात ये है मेन। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये की है, एक हमारी डिक्शनरी है तो इसके ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो आपने गेट किया डेप्ट को, तो आपने जैसे ही डेप्ट को गेट किया तो आपको ये सेल्स मिल चुका है। बट मान लो अगर आपने यहाँ पर मतलब इसकी डेजिग्नेशन क्या है तो आपने वो गेट किया है तो आपको यहाँ पर एरर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर ये डिफाइन ही नहीं है की। तो अगर आप यहाँ पर डेजिग के साथ में कॉमा लगा के डाल देते हैं नॉट येट, अब इसका मतलब कि अगर ये चीज़ मिल जाए तो भाई इसको रिटर्न कर दो। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है ना, मतलब ये की नहीं मिलती है आपको अपनी डिक्शनरी में, है ना, इस डिक्शनरी में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप ये मैसेज प्रिंट करो। तो देखो इन्होंने नॉट येट ये प्रिंट कर दिया मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइटम्स मेथड। अब आइटम्स मेथड क्या करता है, आइटम्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपको की और वैल्यू दोनों के दोनों पेयर मिल जाते हैं एक टुपल के अंदर। हाँ, ध्यान देने की बात यही है कि इसमें टुपल होता है, बिकॉज जब आप मतलब कि आइटम्स मेथड किसी भी डिक्शनरी पर लगा देते हैं तो उसके बाद में होता क्या है, उसके सारे एलिमेंट्स है ना वो की वैल्यू के फॉर्म में हर एक की वैल्यू पेयर एक टुपल बन जाता है, हर एक की वैल्यू पेयर एक टुपल बन जाता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, एम्प्लॉय था जिसके अंदर ये इसके एलिमेंट्स हैं, आपने माइनस नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने एम्प्लॉय डॉट आइटम्स कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये बन जाएगा एक टुपल, एक ये बन जाएगा टुपल और एक ये बन जाएगा टुपल। और फिर आपने 4x माई लिस्ट किया और आपने प्रिंट किया x को, तो पहली बार में क्या प्रिंट होगा, नेम जॉन और ये टुपल की तरह है। तो देखो ये इसका आउटपुट मिल रहा। बट गाइज इसमें ये और आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मतलब कि जब ये रिटर्न करता है ना तो इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है।
these are written in no particular order. तो आपको ध्यान रखना है, तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहली बार हमें आना चाहिए था name John, but यहाँ पर आ गया salary 10,000. तो ठीक है, इससे कोई होता नहीं, कुछ अंतर नहीं होता. तो ये हमारा items method है, ठीक है, आप ये समझ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है. मैंने आपको बता दिया items करता क्या है. items आपको रिटर्न करता है किसी भी डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स को एज अ टुपल, ठीक है. नेक्स्ट हमारा कीज, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कीज, इससे होता क्या है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ कीज को ही रिटर्न करता है. अब देखो, ठीक है, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द कीज इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ कीज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो गाइस ये ना सारी कीज को रिटर्न कर देता है बट इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है. तो इसमें आपको कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना होता है. आर्गुमेंट देना मतलब कि ये इसके जो पैरेंट्स खाली है, मतलब नो आर्गुमेंट. और रिटर्न करता है क्या, एक लिस्ट कर देता है सीक्वेंस ऑफ, एक मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कीज की एक लिस्ट रिटर्न कर देता है. देखो एम्प्लॉय में ये हमारे एलिमेंट्स थे, तो जैसे आपने एम्प्लॉय डॉट कीज डाला ना, तो देखो इसके सिर्फ और सिर्फ दो जो इसकी कीज है ना वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है. सेम टू सेम वैल्यूज है, वैल्यूज के अंदर ये बस उसका अपोजिट मान लो की का, वो कीज को रिटर्न करता था एज अ लिस्ट, ये वैल्यूज को रिटर्न करता है एज अ लिस्ट. देखो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है. नेक्स्ट हमारा अपडेट मेथड. तो अपडेट मेथड करता क्या है, अपडेट मेथड आपकी, आप मान लो आपके पास ना दो डिक्शनरी है गाइज, और आपने देखो ये आपकी पहली डिक्शनरी है और ये आपकी दूसरी डिक्शनरी है, तो आपने डॉट अपडेट लगाना है, उसके बाद में आपको दूसरी डिक्शनरी यहाँ पे पास कर देनी है. तो पहली डिक्शनरी के अंदर तो दूसरी डिक्शनरी के जो नए की और वैल्यूज वो आपको ऐड हो जाएंगी. बट मान लो इस डिक्शनरी के अंदर कोई की थी ए के नाम की, उसकी वैल्यू थी 5, इसकी इसके अंदर भी एक की है ए के नाम की, उसकी वैल्यू मान लो 10, तो आपको होगा क्या, आपकी जो इसकी जो नई वाली है ना जी वाली, इसमें मतलब आपकी पुरानी वाली की जो की है वो रीराइट हो जाएगी, वो मतलब कि रिप्लेस हो जाएगी. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है एम्प्लॉय 1 में ये सारी चीजें हैं, एम्प्लॉय 2 की ये सारे एलिमेंट्स हैं, एम्प्लॉय 1 ये वाला एम्प्लॉय डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2. तो देखो गाइस पहले इसमें नेम जॉन था, बट जैसे ही आपने मतलब अब आपने यहाँ पे एम्प्लॉय 1 के अंदर ये सारे काम कर लिए, तो एम्प्लॉय 1 में ये सारे चेंज हो चुके हैं, अपडेट कर लिया आपने एम्प्लॉय 1 को, तो अब यहाँ पर नेम में दिया गया क्योंकि ये वाली चीज यहाँ पर आ चुकी है, तो ये इसको इसने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है. एम्प्लॉय 2 अगर आप चेक करेंगे तो एम्प्लॉय 2 में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो वो तो सेम टू सेम है ही जो पहले था, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो आप इसको ये मतलब कि किसके बराबर होता है, ये हम जो काम कर रहे हैं ये इस चीज़ के इक्वल है. वैसे अगर आप सिंपल भाषा में देखना चाहते हो, अगर आपने एक वेरिएबल चलाया 4 की न्यू डिक्ट यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय 2 है डॉट कीज, और आपने जो पुरानी डिक्शनरी की जो चीज़ है ना, पुरानी डिक्शनरी की है उसमें नई डिक्शनरी की डाल दी, तो बस वही सेम चीज़ है गाइस. तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. तो गाइस ये हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है. आपको अगर कोई भी चीज़ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो गाइस, मैं आपको पक्का बताऊंगा, मैं आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ, आपको 10-12 घंटे में रिस्पॉन्स मिल जाता है. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिससे कि आप मेरे से कोई भी वहाँ पे बात कर सकते हो, आप मुझे वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ. ओके गाइस, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो मैं आपके यहाँ के कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा और बीच के भी कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगा, ठीक है. अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो कुछ देखते हैं क्या है, हमें पता नहीं है, पाइथन मॉड्यूल्स का गाइस, तो वो मैं आपको अपनी आगे की वीडियोस में स्टार्ट करेंगे वो भी. तो गाइस होप आपको गाइस वीडियो समझ में आती जा रही है, आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे. अगर गाइस वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें गाइस, और प्लीज़ इन्हें शेयर करें गाइस जितना हो सके, जैसे कि आपके दोस्त हैं वो भी कुछ सीख सकें इन वीडियो से, वो भी पाइथन सीख सकें. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग ट्यूटोरियल्स गुरु. गुड बाय.